यो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मैन एक नए वीडियो में। तो यार जून अपडेट का स्नीक पिक 1, 2 and 3 आ चुका है, तो चले यार फॉर्यूम्स पे चलते बिना किसी देरी के और देखते क्या है हमारे तीन स्नीक पिक्स एंड डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द अपडेट गोइंग टू बी ऑन। मुझे यार पहले लग रहा था कि एक म्यूटेंट अपडेट होने वाला है, जस्ट फॉर द फैक्ट कि यार अभी डेंजर रूम में एक भी ट्रेनिंग पैक नहीं है एंड वी आर ड्यू टू गेट वन रियली वेरी सून। सो आई थॉट कि ये म्यूटेंट अपडेट होने वाला है, बट आई वॉज रॉन्ग। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ म्यूटेंट अपडेट, ये एक नॉर्मल अपडेट यानी कि नॉर्मल कैरेक्टर्स अपग्रेड होने वाला है। तो बट स्टिल यार देर इज चांस कि एक कैरेक्टर यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग पैक में वो दे देंगे। मे बी दे आर ट्राइंग टू गो आउट ऑफ द नॉर्म एंड मेक द कैरेक्टर नॉन म्यूटेंट जो कि यहाँ ट्रेनिंग पैक से एक्वायर कर सकते हैं। तो दिस विल बी आर फर्स्ट कैरेक्टर अगर ऐसा हुआ जो हमें डेंजर रूम ट्रेनिंग मिशन से मिलेगा जो कि म्यूटेंट नहीं होगा, विच वुड बी रियली वेरी कूल। बट ऑन दी अदर साइड, फ्लिप साइड, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग रूम में इस बार कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, नेक्स्ट अपडेट में आएगा। तो यार चलिए चलते फिर स्नीक पिक देख लेते हैं, स्नीक पिक में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे यार स्नीक पिक नंबर 1 में, जून स्नीक पिक #1, और देखते क्या है। सबसे पहले बोलते हैं ग्रीटिंग्स एजेंट, दिस इज अ सीएम फ्रेगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट। रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर रेसिंग टू यूटिलाइज रिसेंटली डिस्कवर्ड एक्जॉटिक एनर्जी एंड रिसोर्सेज। हेडक्वार्टर ऑलवेज कीप्स अ क्लोज आई ऑन दीज रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कैटाक्लिस्मिक कैटेस्ट्रोफ्स एंड टू कीप पोटेंशियली डेंजरस रिसर्च फ्रॉम फॉलिंग इन टू द रॉन्ग हैंड्स। अ मिशन टू इन्वेस्टिगेट अ न्यूली इमर्ज रिसर्च फैसिलिटी इज करेंटली अंडर वे। विल शेयर एनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन द टीम फाइंड्स एट द अननोन फैसिलिटी थ्रू द इमेजेस लाइक द फॉलोइंग। तो अ लेबोरेटरी ग्लास जार, यहाँ पे हमें वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं फुल स्क्रीन पे। ओके, सो दैट वॉज रियली वेरी वेरी कूल। अगर आपने ध्यान से देखा तो यार लास्ट में हमें एक दो आईज दिखती, ग्रीन आईज विथ रेड फेस, दैट इज आई बिलीव रेड शी हल्क जो कि रेड हल्क की बेटी है टू बी ऑनेस्ट, जनरल थोडियस थंडरबोल्ट रॉस एके ए रेड हल्क, जिसकी बेटी है रेड शी हल्क। तो रेड शी हल्क अभी हमारे पास नहीं है इस गेम में, सो दिस इज पोटेंशियली अ न्यू कैरेक्टर जो कि हमें मिलेगा इस अपडेट के थ्रू। एज वी डिस्कवर मोर अबाउट द एग्जैक्ट एनर्जी बींग रिसर्च्ड हियर वी विल शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द टीम फाइंड्स ड्यूरिंग देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिसर्च फैसिलिटी, थैंक यू। तो ये है यार जून का स्नीक पिक 1 जिसमें रेड शी हल्क देखने को मिलता है। चलिए यार चलते फिर जल्दी से स्नीक पिक 2 भी देख लेते हैं, यार मजा आ रहा है देखने में। तो स्नीक पिक 2 में बोलते हैं ग्रीटिंग्स एजेंट, दिस इज अ सीएम फ्रेगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट। वी आर हियर विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियसली अनकवर्ड रिसर्च फैसिलिटी इन ऑर्डर टू एग्जामिन एनी डेंजर्स दिस स्पेसिमेंस इन द लेबोरेटरी में कॉज। वी हैव रिक्वेस्ट द हेल्प ऑफ सम हीरोज वी थिंक हैव फेमिलियरिटी विद द रिसर्च। स्कोर द वीडियो फॉर एनी एविडेंस यू कैन अनकवर अबाउट द लैब टू हेल्प विद द टीम्स एक्सप्लोरेशन। तो चलिए यार ये वाली वीडियो को भी प्ले कर लेते, देखते इसमें क्या है। हमें यहाँ बैनर से दिख रहा है थंबनेल से, लास्ट में एक तरफ शी हल्क है और एक तरफ हल्क एमेडियस चो खड़ा हुआ है। तो प्ले कर लेते यार वीडियो को फुल स्क्रीन में, देखते क्या है। ओके, सो फाइनली लास्ट में चलते हुए आते हैं रेड हल्क, शी हल्क एंड हल्क एमेडियस चो, और उनके हमारे हेयर्स दिखते लेफ्ट एंड राइट एंड उनके फेसेस जार में दिखते हैं। नाउ इस जार का काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है कॉमिक के एक रन से जिसका नाम है द इमॉर्टल हल्क। अगर आपने नहीं सुना है तो द इमॉर्टल हल्क में हल्क इतना पावरफुल हो जाता है कि उसे डिस्ट्रॉय करने तक की बात आ जाती है। तो एवेंजर्स उससे फाइट करते हैं, थॉर भी काफ़ी मार खाता है, बाकी सब एवेंजर्स भी बहुत मार खाते हैं। इनफैक्ट सिल्वर सर्फर को जो एक सेलेस्टियल बींग ने हराया था वो भी मार खाता है, ग्लैडिएटर भी मार खाता है। तो हल्क इतना स्ट्रांग है इसमें, तो टोनी स्टार्क एक सन के एनर्जी को फोकस करके हल्क पे मारता है, फिर उससे भी हल्क का स्किन पियर्स हो जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो रीजेनरेट होने लगता है लाइक वुल्वरीन एंड डेडपूल। तो इतना पावरफुल है हल्क इस रन में, आई कैनॉट इवन टेल यू अबाउट इट। तो लास्ट में एज अ फाइनल रिसॉर्ट वो लोग रिसर्च करते हैं और हल्क के अलग अलग पार्ट्स को काट काट के जार में कंटेन करके स्टोर कर लेते हैं ताकि इन केस अगर फ्यूचर में हल्क की ज़रूरत पड़े देन दे कैन रीअसेंबल हिम, जो कि फ्यूचर में होता है। हल्क अपने आप खुद को वापस से पुट बैक कर देता है
क्योंकि वो इमॉर्टल हल्क इस रन में, सो ही इज दैट पावरफुल। तो जार का यहाँ पे उस कॉमिक रन के रन से रेलेवेंस है कि जार में जितने भी पार्ट्स है वो इमॉर्टल हल्क के बॉडी पार्ट्स है, और यहाँ पे उसका देखभाल की जा रही है इस रिसर्च फैसिलिटी में। उसमें अभी तक हमें देखने को मिल गया है रेड शी हल्क, शी हल्क, हल्क एमेडियस चो, और इमॉर्टल हल्क तो डेफिनेटली है, जिसका टीयर 3 और एक यूनिफॉर्म आने वाले इस अपडेट में। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है ये अपडेट, हाइप इज अनरियल। तो चलिए यार स्नीक पिक 3 भी देख लेते हैं इसी के साथ और देखते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोलते ग्रीटिंग एजेंट्स, दिस इज द सीएम प्राइमेट ऑफ माल फ्यूचर फाइट, वी हैव रिटर्न टू ब्रिंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेंस इन द लैबोरेटरी। इट अपियर्स सम अदर डार्क फोर्सेज हैव कम टू एक्सप्लोर द रिसर्च फैसिलिटी। आवर टीम वॉज एबल टू कैप्चर द फॉलोइंग इमेज इन द मिडस्ट ऑफ द ब्रेक इन। कैन यू नोटिस एनी पर्टिकुलर अबाउट द इमेज। तो चलिए यार इसे प्ले कर लेते, देखते इसमें अब क्या है। Yet another green Goliath is headed towards them, and everyone is advised to avoid the area. Do not approach the mutation, or they say it is extremely dangerous, strong, and fast. ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एबोमिनेशन। तो एबोमिनेशन भी आने वाला है, दैट इज सो फैंटास्टिक गाइज, आई कैन नॉट इवन टेल यू। एबोमिनेशन को बहुत जन वेट कर रहे थे कि यार वो इस गेम में कब आएगा, बट आई थिंक इट्स टाइम हमें वो मिल जाएगा। तो एबोमिनेशन को हम ए बॉम भी बोलते हैं, उसे हमने द इनक्रेडिबल हल्क में भी देखा था, बहुत ही खतरनाक और भयानक था, लेकिन हल्क ने उसमें भी उसे हरा दिया था समहाउ। बट एबोमिनेशन इज नो जोक, सो इट्स रियली वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग एबोमिनेशन एंड बहुत ही खतरनाक है। सो एक कॉम्बैट विलेन भी होने वाला है ये। सो ये तीन स्नीक पिक हमें देखने को मिला है, फोर्थ या फिफ्थ स्नीक पिक में डेफिनेटली द इमॉर्टल हल्क का टीयर 3 देखने को मिलेगा, एंड और भी नए कैरेक्टर्स हो सकते हैं पोटेंशियली यूनिफॉर्म। तो इनफैक्ट हमें अभी तक सारे के सारे हल्क से रिलेटेड कैरेक्टर्स के यूनिफॉर्म देखने को मिल गए जो आएंगे, जो कि है हल्क एमेडियस चो, शी हल्क, रेड हल्क का पोटेंशियली यूनिफॉर्म हो सकता है, रेड शी हल्क एक न्यू कैरेक्टर है, हल्क को द इमॉर्टल हल्क का यूनिफॉर्म मिलेगा जो कि बहुत ड्यू है यार, हल्क को रिवर्क चाहिए, ही नीड्स हिज जस्टिस, एंड आई थिंक उसे इस अपडेट के थ्रू मिल जाएगा, एंड एबोमिनेशन भी आने वाला है। तो देर इज अभी तक हमें पता चल गया है दो नए कैरेक्टर, रेड शी हल्क और एबोमिनेशन। तो आई थिंक एबोमिनेशन और रेड शी हल्क में से कोई एक पेवॉल कैरेक्टर होने वाला है, एंड दूसरा मे बी दिस इज नॉट गारंटी, क्रिस्टल वॉल होगा वाया डेंजर रूम ट्रेनिंग पैक। मैं डेंजर रूम ट्रेनिंग पैक कितनी एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा एक अपडेट नहीं गया जिसमें 3 महीने के स्पैन में एक हमें डेंजर रूम कैरेक्टर नहीं मिला हो। तो आई डोंट थिंक वो इसे मिस करने वाले हैं, मे बी मिस कर दे, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा हमारा फिर एक म्यूटेंट जो कि हमें मिलेगा डेंजर रूम के थ्रू। बट दिस टू न्यू कैरेक्टर्स आर देयर एंड रिवर्क फॉर हल्क एंड शी हल्क, रेड हल्क को भी उसका एंड एमेडियस चो एज वेल। तो 3 यूनिफॉर्म, 2 नए कैरेक्टर, एक टीयर 3 800 CCF वाला कन्फर्म हो चुका है, और यूनिफॉर्म अगर होने वाले तो वो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट स्नीक पिक के थ्रू, एंड अगर और भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं तो वो भी हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट स्नीक पिक्स के थ्रू। सो ऑल कॉम्बैट अपडेट होने वाला है ये, क्योंकि अभी तक जो हमें 6 के 6 कैरेक्टर्स देखने को मिले, हल्क, शी हल्क, हल्क एमेडियस चो, रेड हल्क पोटेंशियली, रेड शी हल्क एंड एबोमिनेशन, तो सारे के सारे कॉम्बैट है और सभी हल्क फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज हल्क फैमिली रिवर्क, एंड आई एम रियली वेरी स्टोक्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। तो देखते यार क्या आएगा इस अपडेट में, हाइप्स आर रियल्स। 27th of June को मुझे प्री अपडेट बिल्ड मिल जाएगा, और उसमें मैं आपको नए आने वाले इन्फॉर्मेशन बता दूंगा सबसे पहले हिंदी में इस चैनल पे। सो ये था यार इस वीडियो के लिए और इन 3 स्नीक पिक्स के लिए। आपको एक वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। मैं हूं हंटर ऑन हाइव, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।